दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं खजुरी रामापुर करपी सुमरा हाट मेला। तो आज हम आपको मेला का दृश्य दिखाने वाले हैं। यहाँ पे गायें और भैंस का मेला लगता है और बाछी भी बिकता है। क्या चीज़? हाँ, काड़ी और वो भी बिकता है, काड़ा। तो देख सकते हैं, एक गाय आई है। गाय जो है, इसका बोली लग रहा है, बोली लगा रहे हैं लोग। कै किलो दूध दे हवा? 12 किलो? 12 किलो दूध देता है? एक शाम 4 किलो है। अच्छा, कहाँ मांग रख ले हूँ? इसका अडर का क्वालिटी देख सकते हैं, छोटा गाय है और 56,000 रुपया इसका रेट रखे हैं। और कितना मांग कर रहे हैं जी, मालिक का नहीं है? 56,000? गिर तो नहीं है ये? तो है अपना देसी इंडियन जैसा लग रहा है उसमें। ये गिर तो कर कान बहुत बड़ा बड़ा होगा, मगर इसका छोटा तनी है, बड़ा है मगर तनी साइज में काम है। अच्छा, देख सकते हैं गाय का अडर क्वालिटी ठीक है। ये है, हाँ हाँ हाँ, हड़की था ये। देख सकते हैं 56,000 मांग है इस गाय का। अगर आप लोग, अगर ये गाय बिकता नहीं है तो आप बाद में खरीद सकते हैं। और इनका फ़ोन नंबर है क्या? कने गए फ़ोन नंबर है जी? तो ये ठीक ठाक गाय है, छोटा गाय है और घरेलू यूज के लिए ये ठीक है। 4 लीटर दूध देगा एक टाइम। इधर आओ लालमुन, ये देख सकते हैं मेला, सुमरा हाट मेला है और यहाँ पे गाय और भैंस का मेला लगता है। और तरह तरह की गाय और भैंस है, ज़्यादातर देसी नस्ल की भैंस है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे गायें हैं, अच्छे अच्छे भैंस भी हैं जो 3-4 लीटर गाभिन है वाह। अच्छा, कितना में बेच रहे हैं? तो 42,000 रुपया मांग रहे हैं। कै लीटर दूध दिया पहला अभियान में? पहला अभियान में 3 लीटर दूध था। 3 लीटर? अच्छा, एक टाइम 3 लीटर? एक टाइम में 3 लीटर। तो दोनों टाइम के 6 लीटर बोलिए। अच्छा, जैसा खाना मिलेगा, हम लोग तो गरीब आदमी, साधारण खाना मिलता है। अच्छा, गरीब आदमी साधारण खाना मिलता है। अच्छा, तो ये तो अपना देसी नस्ल की गाय भैंस है लगता है? मोबाइल नंबर बोलिए, अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो लेना होगा तो। ठीक है, तो लिखिए। बोलिए। 7481 9696 33 34 44। ये इनका मोबाइल नंबर है, अगर आपको बाद में ख़रीदना हो तो कंसल्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था हो जाएगा। ये देखिए, गायों को बांधने के लिए मोहरी या पगहा, रस्सी बोलते हैं। कै रुपया रेट है जी? 50 रुपया में बेचते हैं। ये मोहरी है, मोहरी है कि पूरा पगे है? अच्छा, और ये सारा माला है उसका, गाय का बांधने वाला। ये देख सकते हैं, यहाँ पे गाय भैंस को माला बांधते हैं सुंदर दिखने के लिए। ये गुआव माला ये भी है और ये रस्सी है। ये क्या है? यो मल्ले है। तो तरह तरह की रस्सियाँ और घुंघरू और घंटी गायों को बजने के लिए बांधते हैं। ये घंटी भी है इनके पास, तरह तरह की। पैर में पहनाने वाला कड़ा है क्या? थोड़ा लावा दिखाइए उसको, दीजिए थोड़ा। ये देख सकते हैं भाई, अगर किसी भाई को ख़रीदना हो तो ये ऐसे पैर में आवाज़ करेगा, बजेगा झनझन झनझन। बड़े बड़े घंटी भी है, ये देख सकते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? उदय। मोबाइल नंबर बोलिए, किसी को ख़रीदना होगा तो कंसल्ट करेगा आपसे। मोबाइल नहीं रखते हैं, अगर किसी को ख़रीदना हो तो सुमरा हाट मेला आ सकते हैं। ये करपी अरवल बिहार में पड़ता है। और ये पगहा है जो तरह तरह के गाय को बांधने में काम आता है, देख सकते हैं। ऐसा ही एक और दुकान है। और
ये है इनका। एक और आपका क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? बैद्यनाथ प्रसाद जी हैं। ये भी यही गाय का जो पैर में पहनाने वाला घुंघरू या गले में बांधने वाला घंटा और ये माला गायों को जो पहनाते हैं सुंदर दिखने के लिए, सब सामान है इनके पास। गाय को बांधने वाला मोहरी, रस्सी, तरह तरह की देख सकते हैं डिजाइन का ये रस्सी है जिससे गाय बांधी जाती है। और अगर किसी को लेना हो मान लीजिए तो मोबाइल नंबर बोलिएगा, कंसल्ट हो जाएगा। किसी बंदे को अगर लेना होगा मोबाइल नंबर बोल है आपके पास? मोबाइल वोबाइल नहीं रखते हैं और ये पघा वघा बेच देते हैं सारा। और ये देख सकते हैं, और ये था आपको, देखिए गाय को बांधने के लिए इधर भी है, रस्सी वाला पघा है और सब लैलून का है और मजबूत है। ये वाला नया डिजाइन में लगता आता है आजकल, मजबूत भी है और प्लस लग रहा है घाव भी नहीं होगा गाय को इसको बांधने से। तो तरह तरह के रस्सी और पघा हैं। ये सोमराहाट मेला है, यहाँ पे अभी मेला लग ही रहा है, मतलब शुरू ही हुआ है लगना। और आप देख सकते हैं मेला, ये गाय हैं कुछ देसी नस्ल के, और इधर भी काफ़ी जो है गाय हैं, आसपास में भैंस हैं। देखिए इधर मूंगफली बेच रहे हैं। कैसे बेचते हैं भाई? 35 रुपये पौआ। 35 रुपये पौआ है। और इसके साथ मिर्ची नमक फ्री है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सूरज। ये सोमराहाट मेला में हर बार आते हैं? हाँ। अच्छा। कम से कम 3.5 साल से। 3.5 साल से आते हैं। और यहीं पे देखिए गोईठा से जलाते हैं, 12 मास, मतलब ऐसे हिंदी में 12 महीना। अच्छा, पूरा भारत में नहीं समझ पाएगा सब लोग तो इसको। बहुत अच्छा। इससे तो कैसा, अब तो सालों भर मूंगफली कैसे व्यवस्था करते हैं? अभी तो सीजन होगा इसका। हाँ, इसका एमपी से आता है। मतलब 12 महीना एमपी से आता है? ज़्यादा करके एमपी और गुमला। अच्छा, एमपी और गुमला इस सब जगहों से आपका आता है? अच्छा, तो ये देखिए मूंगफली, खाना हो किसी को एक पीस खा सकते हैं क्या? ना ना, अरे कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल नंबर है तो बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो अगर किसी को चाहिए मूंगफली, इस मेला में घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और मेला को बढ़ावा देना चाहिए, ये बहुत पुराना मेला है लेकिन यहाँ पे सरकार ने किसी तरह का मेला जैसे होना चाहिए वैसे व्यवस्था नहीं बनाया, किसी भी तरह का गायों का वो उतारने का या मेला जैसा वो कुछ भवन ववन बनाया नहीं। ये इस यहाँ का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ये जैसे था 20 साल पहले ऐसे ही आज भी है। सभी मेला में सब चीज़ सरकार व्यवस्था कर दिया, तरह तरह का बांधने का पशु का शेड है, गाय के लिए लंबा लंबा शेड बनावल है, वहाँ पे खाना पीना का भी अरेंजमेंट होता है, आदमी के भी बैठने उठने। यहाँ पे तो कोई भी चीज़ पर सरकार ने ध्यान दिया नहीं, आम लोग बहुत देखिए ऐसे परेशान हैं। और इस मेला को भविष्य जो है बहुत अंधकार में है। इधर भी ये पघा वघा बेच लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बुधन प्रसाद। अच्छा, ये पघा जो है एक बार मान लीजिए कि लगाने के बाद कितना, 1-4-6 महीना चल जाता है? छः महीना चल जाएगा। ये तरह तरह के मोहरी पघा क्या बोलते हैं अपना, ये भी है, माला है, बहुत सारे ये सब चीज़ें हैं जो रखे हैं। और आम लोगों को ये मुंह में जाब है, जाब जाबे ना है, कै रुपया में जाब देते हैं जी? 20 रुपया। चलिए एगो जाब हमें भी दे दीजिए, एक गाय है मेरी, हमारी गाय को बच्चे को हम पहनाएंगे। और ये देख सकते हैं ये जाब है जो मिट्टी विट्टी ना खाए। और चलिए एक, अब जब खोल दिए हैं तो एक ले लेते हैं इनसे, लालमोहन ये 20 रुपया इनको दे दो इसमें से, और एक ले लो। देख सकते हैं भाई, आपको पसंद है किसी को ये चीज़ लेना, मोबाइल नंबर हवा तो कि ना हुआ सबके तरह, मोबाइल नंबर है आपका? मोबाइल नंबर है लेकिन हमारा याद नहीं है। अब देखिए इनके पास है ज़रूर लेकिन याद नहीं है, तो तरह तरह की परेशानियां है इस साथी में। ये देख सकते हैं लाई जब वाले ले, ये देखिए भाई हमने एक जाब खरीदा है,
और आप मुझे देख सकते हैं, आप तो मुझे जानते ही हैं अच्छी तरह से। और ये देखिए पघा है, ये तरह तरह के पघा है, बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे इसका मुंह इसे बांधने से कटता नहीं है, मतलब जैसे घीचेगा तो कटेगा नहीं। अच्छा, अब ये सबसे कट जाएगा? हाँ, वो सबसे कटेगा। तब तो इसने ना लेना चाहिए। अच्छा, तो बहुत पहले तो ये सब नहीं मिलता था ना, ऐसा वाला नहीं आता था। अच्छा, तो भाई ये था सोमराहाट मेला। यहाँ पे सरकार कोई व्यवस्था नहीं किया है, ना तो गायों को उतारने के लिए किसी तरह का वो बनाया है, गाड़ियाँ आती है जैसे तैसे लोग उतारते हैं, और ना ही गाय के लिए पशु मेले का वो जो शेड होता है वो भी नहीं बनाया गया। क्या आप लोग का भविष्य यहाँ क्या देखते हैं? ये जो मेला है यहाँ पे सरकार कोई ध्यान नहीं देता है, तो ये दिक्कत है ना, होना चाहिए ना। सब चीज़ विकास कर गया, वो यहाँ पे इतना बड़ा मेला है, 20-30 साल पता नहीं कितने साल से लगता है, कितने साल से मेला चलता है, 30-40 साल से मेला चलता है बोल रहे हैं। सरकार यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है, ना आदमी के बैठने के लिए कुछ है, ना गाय उतारने वाला बना है, ना पशु शेड है लंबा, यहाँ से यहाँ होना चाहिए 4-5 को शेड रहेगा तबे ना गाय। तो मेला मालिक के भी सरकार से लगता था, जो हो गया है कि 2 साल से सरकारी मेला है, कोई लिखवाया नहीं है, जगह है ना लिखा है ना पड़ी है, मतलब सरकारी है अभी, सरकारी जमीन मने की निकल गया, पहले ये जगह का मतलब कि प्राइवेट पैसा लगता था। लेकिन ठीक है, सरकारी है तो अच्छा है, लेकिन विकास व्यवस्था जो यही 20 साल पहले भी था आज भी ऐसा ही है, तो ये सब पर सरकार के बदलाव चाहिए ना जी, सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोड बना रहा है, नली गली बना रहा है, तो 80 से लग रहा है, और सेम वैसे ही आज भी है जैसे पहले था। नहीं, पहले इस मेला को एक मालिक थे, हाँ हाँ, मियाँ जी जो थे डकरा के। अच्छा, तो वो जो है से उनको परिवार में माने लड़ाई हुआ, कागजात से तो जमीन बिहार सरकार कर, बिहार सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। तो अभी इसका कोई चलान वलान नहीं कटता? कोई नहीं। अच्छा, ये देखिए पहले किसी निजी बोलते थे और वो चलान पैसे भी लेते थे सबसे, और जो किसान आते थे 50-100 रुपये लेते थे, कितना लेते थे? 20-25 रुपये। तो ये था, आप लोग देख सकते हैं, और ये अपना अनुभव,